Hello student, for so many past days I was not able to make video due to some personal reasons. So once again I am here to make a video on story writing, how to write a story. Because story writing, question upon story writing is a new question for you. Students appearing in this session, they have to attempt this question first time, that how to write a story. ठीक है, आपको जो बच्चे इस पर 10th में अटेम्प्ट हो रहे हैं उनको फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. प्लॉट द स्टोरी, आपको क्लूज दिए होंगे, हिंट्स दिए होंगे, आगे आपको कंप्लीट खुद से करना है. ये क्वेश्चन में जैसे पहले होता था स्किल राइटिंग में, था ना पहले मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग और उसमें लेटर और ऐसे था. अब ये क्वेश्चन ऐड हुआ है आपके सिलेबस में, स्टोरी राइटिंग एंड पिक्टोरियल इमेज का जो क्वेश्चन ऐड हुआ है वो आपकी स्किल को चेक करने के लिए, आपकी राइटिंग स्किल को चेक करने के लिए, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्किल को चेक करने के लिए ये दो क्वेश्चन ऐड हुए. आपको बताऊं मैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है. जो ये स्टोरी वाला क्वेश्चन है ना, कैसे होगा कि आपको दो तीन लाइन्स दी होंगी. पहली दो लाइन आप बिल्कुल अपने पीछे बचपन में, अपने बचपन के दिनों में, व्हेन यू वर इन एलकेजी यूकेजी, इफ यू आर अ प्राइवेट स्टूडेंट, इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ प्राइवेट स्कूल, अगर आप प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हो, आपने फिर एलकेजी यूकेजी भी करी होगी. आप उन दिनों की बात याद कीजिए जब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आती थी, कंप्लीट द स्टोरी होता था ना. जैसे वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, डैश ही वाज वेरी डैश ही वाज वेरी थर्स्टी, he was in search of water, he fly here and there in search of water, था ना, याद है आपको प्यासा कौआ की कहानी. तो आपको क्या होगा, दो तीन लाइन्स दी जाएंगी, आपको उस लाइन के अकॉर्डिंग उन लाइन्स को देख के समझ के स्टोरी कंप्लीट करनी. कुछ भी आपके दिमाग में आता है, जैसे हम मूवीज देखते हैं हमें पता चल जाता है कि ये सीन आया, अब इसके बाद क्या होने वाला है. हम उन मतलब पहले सीन से ही हम गेस कर जाते हैं ना कि आगे क्या होने वाला है. बस उसी तरह आपको स्टोरी लिखनी है. दो तीन लाइंस आपको दी जाएंगी, उन दो तीन लाइंस को देखकर आपने पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी है. और कोई बड़े लंबे वे में नहीं करनी है, मतलब बहुत लेंथी नहीं लिखनी है, शॉर्ट स्टोरी, बिल्कुल शॉर्ट, राइट. अभी भी अगर आपको कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है. So, अपना start your preparation for the coming examination.